नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। अध्याय 6 सजीव की संरचना हम ले रहे थे। बात हो रही थी बच्चों हमारी कोशिका के घटक, सबसे पहला कोशिका कला, दूसरा केंद्रक और तीसरा हमारा हम कर चुके हैं। दूसरा घटक हम ले रहे थे बच्चों केंद्रक, लास्ट क्लास में जो हमारा थोड़ा सा अधूरा रह गया था। केंद्रक की खोज किसने की है, संख्या कितनी होती है कोशिका में, इसकी स्थिति क्या होती है, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। आज लेंगे बच्चों हम केंद्रक की संरचना किस प्रकार की होती है। आपके लिए ये चित्र हमने बना के तैयार रखा है, आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, उसके बाद हम इसकी संरचना को पॉइंट वाइज नोट करेंगे। बनाते समय आप एक गोला बनाएंगे, बना लें आप इसे, गोलाकार संरचना है क्योंकि यह केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंगक है। ये हमने दोहरी परत के रूप में बना रखी है ये संरचना, पहले भी आपको बताई जा चुकी है। केंद्रक झिल्ली कही जाती है, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली आप देख रहे हैं बीच बीच में टूटी हुई है, यानी यहाँ पर छिद्र है, छिद्र कहलाते हैं बच्चों केंद्रकीय छिद्र। उसके बाद पूरे केंद्रक के अंदर ये काले डॉट जो आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, वो है केंद्रक द्रव्य, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और अन्य कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। एक छोटी सूक्ष्म गोलाकार संरचना आपको दिखाई दे रही है, उसे हम केंद्रक या केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक तो बच्चों पूरा हुआ और केंद्रक में छोटी की एक मात्रा लग करके वो केंद्रक बन गया, जो कि केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। धागे सदृश हमको संरचना दिखाई दे रही है, वो संरचना जो है वो गुच्छों के रूप में है बच्चों, इसे हम क्रोमेटिन जाल कहते हैं। और ये क्रोमेटिन जाल जो है, जब हमारी कोशिका विभाजित होती है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, उस स्थिति में कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमेटिन जाल गुणसूत्रों में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार केंद्रक की संरचना में मूल रूप से हमें चार चीजें नजर आती हैं, चार विषय वस्तु नजर आती हैं, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक, केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन जाल। बना लें बच्चों, चित्रों का भी हमें अभ्यास करते रहना है क्योंकि चित्र भी विज्ञान में अपना अलग ही महत्व रखते हैं। हमें किसी भी चीज की संरचना तभी आसानी से समझ में आ जाती है जब हमें उसके चित्र का भी थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है। आइए अब हम बात करेंगे संरचना की। दोहरी झिल्ली उपस्थित, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। झिल्ली के बीच बीच में केंद्रकीय छिद्र उपस्थित, केंद्रक के मध्य में तरल पदार्थ केंद्रक द्रव्य उपस्थित, जिसमें
प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा अन्य कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ये जो केंद्रक द्रव्य उपस्थित है केंद्रक में। इसी तरह देखिए बच्चों, केंद्रकीय छिद्र की जब हम बात कर रहे हैं, केंद्रकीय छिद्र का क्या काम है बच्चों? कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करता है। तो ये केंद्रकीय छिद्र क्या करेगा? कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान, इसमें से होकर के पदार्थ अंदर आ सकते हैं और इसी में से होकर के पदार्थ जो है वो कोशिका द्रव्य में जा सकते हैं। केंद्रक झिल्ली की बात कर ली, केंद्रकीय छिद्र हमने बता दिया, केंद्रक द्रव्य हो गया। अब बात करनी है हमें केंद्रक की, सूक्ष्म गोलाकार एक या अधिक संरचनाएं केंद्रिक कहलाती हैं। अब रह गया है बच्चों आपका क्रोमेटिन जाल। कैसा बताया हमने? धागे सदृश, धागे जैसा, गुच्छे में क्रोमेटिन जाल उपस्थित, जो क्या करता है? कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों में बदल जाता है। कार्य क्या है बच्चों केंद्रक का? कोशिका का मुख्य नियंत्रक अंग है ये, पूरी कोशिका पर नियंत्रण करने का काम केंद्रक के द्वारा ही किया जाता है। मुख्य नियंत्रक अंग। इस प्रकार से बच्चों ये बात हो जाती है आपके महत्वपूर्ण अंगक केंद्रक की, जो कि कोशिका का दूसरा घटक है। आगे हम लेंगे कोशिका का तीसरा घटक, कोशिका द्रव्य। उससे पहले आप चित्र बन गया होगा आपका, ये लिख लें। दोहरी झिल्ली उपस्थित, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, झिल्ली के बीच बीच में केंद्रकीय छिद्र उपस्थित, जो कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। केंद्रक द्रव्य के मध्य में बच्चों एक तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, और उसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। सूक्ष्म गोलाकार एक या एक से अधिक संरचनाएं केंद्रक जिसे कहते हैं वो पाई जाती हैं। धागे सदृश गुच्छे के रूप में क्रोमेटिन जाल पाया जाता है, जो कि कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों में बदल जाता है। क्या होता है कोशिका विभाजन, ये भी हमारा आगे का टॉपिक रहेगा बच्चों इसी अध्याय का। कार्य की बात कर रहे हैं हम, मुख्य नियंत्रक अंग है, पूरी कोशिका पर नियंत्रण रखने का काम ये करता है।
लिख लें आप फटाफट से। थोड़ा धीरे लिखने वाले बच्चे लिखते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा बात आगे करते हैं। कोशिका द्रव्य क्या है बच्चों? कोशिका द्रव्य वो पदार्थ है जो कोशिका कला कहाँ है, सबसे बाहर, जो कोशिका को आकृति प्रदान करती है। कोशिका कला और केंद्रक के मध्य जो पदार्थ उपस्थित है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस कोशिका द्रव्य में बच्चों कई सारी सजीव संरचनाएं जिन्हें हम कोशिकांग के नाम से जानते हैं, तो कोशिकांग और साथ ही साथ कुछ निर्जीव संरचनाएं भी इसके अंदर उपस्थित होती हैं। चर्चा करनी है हमें कि आखिर इसमें कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित होते हैं, क्या उनकी संरचना है और कोशिका के लिए वो क्या कार्य करते हैं। बात शुरू करते हैं कोशिका द्रव्य से। कोशिका कला तथा केंद्रक के मध्य उपस्थित पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसमें सजीव संरचनाएं जो कि कोशिकांग के रूप में हैं तथा निर्जीव संरचनाएं उपस्थित, सजीव संरचनाएं भी हैं इसमें और निर्जीव संरचनाएं भी हैं। तो ये जो सजीव संरचनाएं हैं जिन्हें हम कोशिकांग समझ रहे हैं बच्चों, एक एक करके हम कोशिकांग की बात करते हैं। सबसे पहले हम कोशिकांग लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों, जो हमारी दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोट जो बहुत आदि प्रकार की हैं, बहुत ही सामान्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और एक होती है हमारी यूकैरियोट कोशिका। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों, यूकैरियोट कोशिका का लक्षण है, यूकैरियोट कोशिकाओं के अंदर ही उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस कहा जाता है बच्चों। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आवश्यक ऊर्जा जो है उसके उत्पादन यहीं पर ही किया जाता है। केवल यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहलाता है। क्योंकि आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन यहीं पर होता है।
यदि हम संख्या की बात करें बच्चों, तो प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है, इस आधार पर कि उस कोशिका की ऊर्जा की आवश्यकता क्या है। प्रत्येक कोशिका में संख्या भिन्न भिन्न होती है। जिन कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, उनमें यह अधिक संख्या में उपस्थित केवल यूकैरियोट कोशिका में उपस्थित कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहलाता है, क्योंकि आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन यहीं पर ही किया जाता है। संख्या की यदि बात करें हम, प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या बच्चों अलग अलग होती है, इस आधार पर कि उस कोशिका की ऊर्जा की आवश्यकता कितनी है। समय बच्चों ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। फिर से आपका, बात माइटोकॉन्ड्रिया की कर रहे थे,
ब्रेक के दौरान चित्र हमने थोड़ा सा आपकी सुविधा के लिए बना लिया है। केवल यूकैरियोट कोशिका का लक्षण है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहलाता है क्योंकि आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। संख्या अलग अलग हो सकती है ऊर्जा की आवश्यकता के आधार पर। यदि हम आकृति की बात करें बच्चों, तश्तरी नुमा और बेलनाकार, इसकी आकृति जो है वो तश्तरी नुमा है और बेलनाकार होती है। अब संरचना कैसी है जरा आप ध्यान दीजिएगा, और साथ ही साथ आप ये देखें खोज किसने की। 1880 में कोलिकर वैज्ञानिक द्वारा इसकी खोज की गई, लेकिन बच्चों उन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया। दूसरे वैज्ञानिक बेंदा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो बच्चों प्रश्न आता है कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं और क्यों, तो एक प्रश्न आपका ये यहाँ हो जाता है। उसके बाद हम आकृति की बात कर रहे हैं, तश्री रुमा और बेलनाकार इसकी आकृति है। खोज 1880 में कोलिकर वैज्ञानिक द्वारा और बेंदा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अब बात हम करेंगे बच्चों दिखाई कैसा देता है, हालांकि ये हमने कोशिका में बहुत छोटा सा संरचना बताई थी, और बच्चों जब इसे सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है तो जब तक इसे अभिरंजित नहीं कर लिया जाता, यानी इसके ऊपर कोशिका के अंदर इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए जब तक इसे अच्छी तरह से रंग में नहीं रंग लिया जाता, तब तक ये सूक्ष्मदर्शी में आसानी से दिखाई नहीं देता है। तो अभिरंजन के बाद ही हम इसको देख पाते हैं। संरचना बनाइए बच्चों, एक आपने बेलनाकार सी संरचना बनानी है, उसके बाद सबसे बाहर जो आउटर कवरिंग है, सबसे बाहरी जो झिल्ली है वो बाह्य झिल्ली कहलाती है। उसके बाद अंदर की तरफ आइए आप, कुछ इस प्रकार से एक झिल्ली है जिसमें बच्चों अंदर की तरफ ये ऐसे घुमाव या जिसे हम वलन कहते हैं, फोल्ड्स अंग्रेजी में जिसे हम फोल्ड्स कहते हैं, इस प्रकार ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है और ये मुड़ी हुई संरचना आंतरिक झिल्ली कहलाती है। इस प्रकार ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोहरी झिल्ली का बना हुआ है। यहां तक बन गया आपका। अब ये जो आंतरिक झिल्ली है बच्चों, इसमें जो ये इस प्रकार घुमावदार फोल्ड्स या वलन है उन्हें एक अलग नाम दिया गया है, क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है? आंतरिक झिल्ली के वो फोल्ड्स, वो घुमाव जो अंदर की तरफ घूमे हुए हैं उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। तो ये क्रिस्टी कौन सी झिल्ली में है? आंतरिक झिल्ली में बनी हुई संरचना है। अब क्रिस्टी जो है बच्चों, उसकी सतह पर अंदर की तरफ आप ये कुछ देख रहे हैं, पतली सी संरचना और एक गोलाकार यानी व्रंत युक्त कण, सव्रंत कण उपस्थित होते हैं जिन्हें हम ऑक्सीसोम कहते हैं। इन कणों को हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। उसके बाद आप देखिए ये जो बीच का भाग है बच्चों, अंदर की तरफ ये खाली सा भाग बीच का जो है वो मैट्रिक्स या अधात्री कहा जाता है। बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, क्रिस्टी, क्रिस्टी में उपस्थित सैवरंत कण जिन्हें हम ऑक्सीसोम्स के नाम से जानते हैं, और मध्य वाला भाग मैट्रिक्स या अधात्री कहा जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पादन का काम करते हैं, भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं।
संरचना लिखते हैं हम, चित्र बना लें आप, जब तक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग बाह्य झिल्ली चिकनी व समतल आंतरिक झिल्ली में वलन उपस्थित जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी का काम क्या है बच्चों? क्रिस्टी इसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। क्रिस्टी की सतह पर सव्रंत कण ऑक्सीसोम उपस्थित अंदर का हिस्सा या भाग मैट्रिक्स या अधात्री कहलाता है। इस मैट्रिक्स में बच्चों कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, मैट्रिक्स में 65 से 70% तक प्रोटीन, लगभग 25% तक फॉस्फोलिपिड तथा 0.5% बहुत कम मात्रा में आरएनए। आरएनए राइबोस न्यूक्लिक अम्ल ये पाया जाता है। साथ ही साथ बच्चों इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में अपना स्वयं का डीएनए, डीएनए तथा राइबोसोम उपस्थित। इसका संबंध जो है वो वायवीय श्वसन से होता है। काम क्या है बच्चों? पहले भी हम आपको बता चुके, कोशिका का शक्ति ग्रह है, ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करता है। करता कैसे है? इसमें उपस्थित श्वसन एंजाइम भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं। इतनी बात बच्चों, एक सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है कोशिका द्रव्य का माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी बात हमने कर ली है। फटाफट लिख लें, जो बच्चे थोड़ा धीरे लिखते हैं। चित्र आपको बता दिया था, एक बेलनाकार संरचना, अंडाकार संरचना आपको बनानी है, बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली में वलन बनाने हैं जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं, बीच का हिस्सा जो है वो मैट्रिक्स कहलाता है, आधात्री कहलाता है, और सव्रंत कण इस क्रिस्टी की सतह पर है जिन्हें हम ऑक्सीसोम कहते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, बाहरी झिल्ली चिकनी और समतल होती है जबकि आंतरिक झिल्ली में वलन उपस्थित होते हैं। इन वलनों को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी इसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। बच्चों एक तो चीज सीधी रस्सी जो है वो मान लीजिए एक सीधी है, तो उसकी लंबाई और क्षेत्रफल का आइडिया लगाइए आप,
विचार कीजिए, और यदि हमने उसमें घुमावदार तरीके से उसको बना दिया तो उसी क्षेत्र में क्या आ जाएगी, ज्यादा लंबाई कवर हो जाएगी। तो ये जो है क्रिस्टी जो है इस प्रकार होते हैं कि इनका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। क्रिस्टी की सतह पर कुछ कण हमें नजर आते हैं, सवरंत कण है जिन्हें हम ऑक्सीसोम्स कहते हैं, और बीच का जो मध्य भाग है इसके बीच में वो मैट्रिक्स या अधात्री कहलाता है। इस मैट्रिक्स में प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, आरएनए, डीएनए और राइबोसोम उपस्थित होता है। वायवीय श्वसन से माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, और इसमें पाए जाने वाले श्वसन एंजाइम जो हैं वो क्या करते हैं, भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं और तभी ऊर्जा उत्पन्न हो पाती है। एक दूसरा कोशिकांग और लेंगे बच्चों हम आज, लवक। जितना जल्दी आप लिख लेंगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे। लिख लें आप, बच्चों आगे थोड़ा थोड़ा सा मिटा दिया है। लवक बच्चों केवल पादप कोशिकाओं में ही, केवल पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होता है। इसी के कारण, लवक की उपस्थिति के कारण हम देखते हैं कि पौधों में भिन्न भिन्न प्रकार के पत्तियों का हरा रंग, फूलों का रंग, ये सब किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं बच्चों, लवक की उपस्थिति के कारण ही होते हैं। अब इसका आकार इतना बड़ा होता है लवक का कि आसानी से हमें यह सूक्ष्मदर्शी के अंदर दिखाई दे जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा इसको देखने पर। अब वर्णक के आधार पर जो लवक है वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से देखिए, हरित लवक, दूसरा वर्णी लवक और तीसरा है अवर्णी लवक। क्या क्या काम है बच्चों इसके? हरित लवक, हरित हरे रंग से है, हरित लवक में जो पर्णहरित पाया जाता है बच्चों वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधे के लिए खाना बनाता है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करता है। वर्णी लवक, वर्ण यानी रंग से इसका मतलब है पौधों में जो पीला, नारंगी या लाल रंग होता है उसके लिए ये वर्णी लवक ही जिम्मेदार होता है। वर्णी के आगे अ लग गया है बच्चों, अवर्णी लवक यानी इसके अंदर कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है। तो इसका काम क्या है पौधों में, यहाँ खाद्य पदार्थ संचित होते हैं। इस प्रकार आपने देखा वर्णक जो है वो तीन प्रकार के हो सकते हैं, लवक तीन प्रकार के हो सकते हैं, उसमें कौन से वर्णक उपस्थित हैं उसके आधार पर। संरचना की यदि हम बात करें, आकृति कैसी है बच्चों, इसकी आकृति जो है वो अंडाकार, गोलाकार या चक्रिक। थोड़ा और मिटा दें, लिख लिया होगा आपने। कुछ इस प्रकार की संरचना आपको बनानी है बच्चों। एक इस प्रकार की रेखा खींचिए, वही अंडाकार सी, दूसरी उसके अंदर बनाइए एक, क्योंकि ये भी जो लवक है बच्चों ये भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है।
इसमें भी दो झिल्लियां पाई जाती हैं। ये झिल्ली जो है आपकी बाएं झिल्ली और ये जो है आपकी ये हो गई आंतरिक झिल्ली। इस आंतरिक झिल्ली में बच्चों कुछ झिल्ली नुमा जटिल झिल्ली तंत्र पाया जाता है जिसे हम थाइलेकॉइड कहते हैं। कुछ इस प्रकार ये देखिएगा, ये ऐसी संरचना है आपको जो बनानी है। ये सिक्के नुमा है बच्चों, जैसे एक के ऊपर एक हम सिक्का जमा देते हैं कुछ इस प्रकार। तो ये जो संरचना है, जो झिल्ली तंत्र है बच्चों, इसे हम कहते हैं ग्रेना। एक अकेले को कहते हैं बच्चों ग्रेनम, एक वचन में ग्रेनम, और ग्रेना बहुवचन के लिए काम में लेते हैं। तो ये जो ग्रेना है बच्चों, इस झिल्ली तंत्र की संरचना को हम कहते हैं थाइलेकॉइड। ग्रेना तो है ही ये, लेकिन ये क्या कहलाता है? बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली के अंदर आंतरिक झिल्ली, और आंतरिक झिल्ली के अंदर ये झिल्ली तंत्र उपस्थित है बच्चों, जिसे हम थाइलेकॉइड कहते हैं। थाइलेकॉइड दो तरीके से व्यवस्थित है, एक तो ग्रेना के रूप में उपस्थित है ये सिक्कों के रूप में, और ये एक ग्रेना, ये दूसरा ग्रेना, और इनको जोड़ने वाली जो संरचना है बच्चों वो कहलाती है इंटरग्रेनम। इंटरग्रेनम थाइलेकॉइड के ऊपर बच्चों एक झिल्ली होती है जो एक रिक्त स्थान को घेरे रहती है, उसको हम कहते हैं अवकाशिका। और काम क्या है इसका, आपको बता ही दिया कि ये पौधे के लिए खाना तैयार करने का काम करता है। तो फटाफट देखें जरा, हम लिख लेंगे बच्चों, इसको बनानी है आपको बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, और आंतरिक झिल्ली में इस प्रकार सिक्कों के रूप में व्यवस्थित संरचना थाइलेकॉइड, जो किससे मिलकर बनी है, ग्रेना से मिलकर बनी है, और दो ग्रेना को आपस में जोड़ने वाली संरचना इंटरग्रेनम कहलाती है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, और ये जो खाली स्थान है बच्चों ये आपका कहलाता है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा या पीठिका। आंतरिक झिल्ली के अंदर जटिल झिल्ली तंत्र उपस्थित दो रूपों में, और इस झिल्ली तंत्र को हम क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड, जिसे थाइलेकॉइड कहते हैं। समय होने वाला है बच्चों, थोड़ा जल्दी लिखना पड़ेगा आपको। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, आंतरिक झिल्ली के अंदर जटिल झिल्ली तंत्र उपस्थित जिसे हम थाइलेकॉइड कहते हैं, दो रूपों में पाया जाता है। पहला सिक्कों के रूप में और दूसरा इसे तो हम क्या कहते हैं, ग्रेना। और दो ग्रेना को जोड़ने वाली संरचना के रूप में इंटर ग्रेना। मध्य के स्थान को स्ट्रोमा या पीठिका कहते हैं,
दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, आंतरिक झिल्ली में जटिल झिल्ली तंत्र उपस्थित, दो रूपों में पाया जाता है, थायलेकोइड सिक्कों के रूप में और दो ग्रेना को जोड़ने वाली संरचना के रूप में, मध्य के स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं। थायलेकोइड की झिल्ली रिक्त स्थान को घेरे रहती है जिसे अवकाशिका कहते हैं। अब बच्चों इसमें थायलेकोइड की झिल्ली में और स्ट्रोमा में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित काम करते हैं, यानी पौधे के लिए खाना बनाने का काम करते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, आंतरिक झिल्ली के अंदर जटिल झिल्ली तंत्र जिसे थायलेकोइड कहते हैं। ये थायलेकोइड दो रूपों में पाया जाता है, सिक्कों के रूप में और आपस में दो ग्रेणा को जोड़ने वाली संरचना के रूप में। मध्य का जितना स्थान है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा में और थायलेकोइड की झिल्ली में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, पौधे के लिए कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। आज की क्लास का समय खत्म हो रहा है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और कोशिकांगों की संरचना जानने के साथ में। नमस्कार।